हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मेंटल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में यहाँ पर बैठे होते हैं और वो लोग यहाँ पर शराब पी रहे होते हैं और वो लोग यहाँ पर चेंग साहब के बारे में बात कर रहे होते हैं कि चेंग साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और चेंग साहब को शांत करने के लिए ड्यांग डायनेस्टी के एल्डर लोग भी आए थे। और तुम्हें क्या पता है कि चेंग साहब ने हैंग टियांग को उसी जगह पर जान से मार डाला था। इस बात को सुनने के यह लड़का अपने साथियों को बोलता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जितने भी बड़े बड़े डायनेस्टी के लीडर लोग थे वो सभी लोग भी इस जगह पर उपस्थित थे और उन सभी लोगों ने यहाँ पर चेंग साहब के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली व्यवहार किया था। इस बात को सुनने के बाद यह बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, चेंग साहब यहाँ पर किसी डीमन से कम नहीं है। इस चीज को देखकर यह लड़का बोलता है, क्या आपने डाकियान और डाली के एल्डर लोगों के ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया था और मुझे लगता है आप अभी भी उस चीज के बारे में ही सोच रहे हैं। इस बात को सुनकर इसका साथी बोलता है, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही बोला, और वो उठकर खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग इसी को देख रहे होते हैं जिसकी वजह से यह लड़का यहाँ पर शर्मा जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है और वो सबसे यहाँ पर माफी मांगने लगता है। इसके बाद यह लड़का इन लोगों को बोलता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है एक ब्लड डिमोनिक सेक्ट का बंदा चेंग साहब के ग्रुप के साथ उस जगह पर चला गया था लेकिन चेंग साहब बहुत ही ज्यादा होशियार है जिसकी वजह से उसे पता चल गया कि यह ब्लड डिमोनिक सेक्ट का बंदा है और उसने टाइम रहते ही अपने साथियों को बचा लिया। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि अगर यहाँ पर चेंग साहब नहीं होता है तो जितने भी बड़े बड़े एल्डर थे वो सभी लोग भी इस डीमन के हाथों से मारे जाते हैं। और ये लड़का ये सब बातें बोल ही रहे होते हैं तभी उसके साथी लोग इसे इशारा कर रहे होते हैं कि तुम्हारे पीछे एल्डर लोग आ गए हैं। तभी उसकी नजर उन एल्डर लोगों के ऊपर जाती है, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सच बोला। इस बात को सुनने के बाद यह लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को चेंग साहब के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हॉल में सभी लोग बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर डिमोनिक कैट को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाती है और वो चेंग साहब को बोलती है, यहाँ की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा कम है और यह चीज आपके लिए सही नहीं है, इसलिए आपको इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस जगह पर रहने से आपको यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन यहाँ पर बढ़ सकती है, क्या आप मुझे यहाँ पर अपना गुरु मानेंगे। इस बात को सुनने के बाद चेंग साहब यहाँ पर इस डीमन कैट को दूर कर देता है लेकिन ये डीमन कैट यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेती है और वो चेंग साहब को बोलती है, प्राचीन काल में बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पर अपना मास्टर मान लिया था जिसकी वजह से इन लोगों का भविष्य मैंने बहुत ही ज्यादा उज्जवल कर दिया और यह तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद चेंग साहब यहाँ पर अपने हेवनली फायर को एक्टिवेट कर लेता है। इस चीज को देखकर यह डीमन कैट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है, तुम यहाँ पर अपने फायर को अपने अंदर ले लो, मैं यहाँ पर तुम्हें और कुछ नहीं बोलूंगी। इस बात को सुनने के बाद चेंग साहब भी यहाँ पर अपने हेवनली फायर को रख लेता है। इसके बाद यह डीमन कैट यहाँ पर दोबारा से चेंग साहब को बोलती है, इस दुनिया में आने के बाद मुझे यहाँ पर बहुत ही जोर से भूख लगी है, चलिए हम लोग बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन को खाएंगे और इसके बाद मैं बहुत सारे फीमेल कैट को भी ढूंढूंगा ताकि मैं इन लोगों के साथ संबंध बना सकूं। और वो यह बोलने के बाद इस जगह से चला जाता है। इसके बाद चेंग साहब यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है, सीक्रेट रियलम से आने के बाद आप सभी लोगों की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग भी यहाँ पर हाँ बोलते हैं। इसके बाद चेंग साहब यहाँ पर इन लोगों को बोलता है, मेरे लिए यहाँ पर चेंडी मंडप के उठने का समय आ गया है इसलिए इस काम में मुझे यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ने वाली है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर चेंग साहब को ग्रीट करते हैं और वो लोग यहाँ पर हाँ बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर आपके आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। इस बात को सुनने के बाद चेंग साहब यहाँ पर खुश हो जाता है। हम लोगों को यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मास्टर चेंग साहब को ग्रीट करता है और उसे बोलता है, हम लोगों ने यहाँ पर उन दोनों डायनेस्टी को अपने अंडर में ले लिया है। इस बात को सुनकर चेंग साहब बोलता है, तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। इस बात को सुनने के बाद यह एल्डर खुश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक लाइन में खड़े होते हैं और वो लोग यहाँ पर किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हम लोगों को यहाँ पर एक कैसल को दिखाया जाता है जिसके बाहर ये सभी लोग खड़े होते हैं और इन सभी लोगों को यहाँ पर एक आदमी कुछ दे रहा होता है और इस चीज को लेकर ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस को दिखाया जाता है। तभी एक आदमी यहाँ पर दौड़ते हुए आता है और वो यहाँ पर एक एल्डर को बोलता है, चेंडी मंडप इस बार बहुत ही तेजी के साथ पूरी सिटी में फैल गया है और जितने भी बड़े बड़े डायनेस्टी है उन सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल को एडमिशन दिया है। इस बात को सुनने के बाद यह एल्डर यहाँ पर इस आदमी को बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को तुम अच्छे से ट्रेन करो और तुम्हें इन लोगों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब तुम यहाँ पर मेरे पर छोड़ दो। जिस पर ये आदमी बोलता है, अब चेंडी पवेलियन यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी राजवंश है उन सभी में यहाँ पर चेंडी पवेलियन नंबर वन पर आता है, क्या हमें उन लोगों को ऐसा करने से रोकना नहीं चाहिए। इस बात को सुनने के बाद यह एल्डर यहाँ पर बोलता है, मैंने यहाँ पर सही अनुमान लगाया है तो जितने भी बड़े बड़े डायनेस्टी है वो लोग भी यहाँ पर इसके विरुद्ध कोई भी बड़ा कदम अभी तक नहीं उठा रहे हैं और तुम यहाँ पर इस चीज को मत भूलना कि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पर वो जमीन के लिए नहीं लड़ रहे
रहे हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि सम्राट वू के ऊपर सबसे पहले हमला कौन करेगा, और जब तक तुम यहाँ पर मार्शल मास्टर को अचीव नहीं कर लेते हो तब तक तुम इस चीज के बारे में सोचना भी नहीं। इस बात को सुनकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन ये एल्डर यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो बोलता है, जब तुम मास्टर को अचीव कर लो तब मैं तुम्हें एक आदेश दूंगा जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े डायनेस्टी हैं उन लोगों को एक ही झटके में हम लोग अपने पैरों के नीचे ले आएंगे, जिसकी वजह से हम लोगों की डायनेस्टी यहाँ पर पूरी दुनिया पर राज करेगी और मैं इसका किंग बनूंगा। इस चीज को सुनकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस आदमी को बोलता है, चेटी डायनेस्टी के बारे में तुम मुझे यहाँ पर और बोलो, जिस पर ये बंदा यहाँ पर उदास हो जाता है। लेकिन तभी ये एल्डर इस आदमी को और एक बात बोलता है, तुम्हें यहाँ पर जितने भी रेयर रेयर हर्ब है उन सभी रेयर रेयर हर्बों को इकट्ठा करना होगा, ताकि यहाँ पर हम लोगों के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर, ताकि वो लोग मास्टर रेलम के 8वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके, जिसकी वजह से हम लोगों की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए तुम यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर को इकट्ठा करो ताकि यह हम लोगों के लिए फायदेमंद हो सके, और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस एल्डर के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म, और कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से मैं माफी चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।